Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic is For Whom the Bell Tolls by Ernest Hemingway. He is an American writer. तो ये American literature में एक American novel शामिल किया गया है. याद रखें American literature में drama भी है, American literature में poetry भी है, अमेरिकन लिटरेचर में नावल भी है. अमेरिकन लिटरेचर में दो नावल हैं जिनमें से एक नावल फॉर होम द बेल टॉल्स है बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे. अर्नेस्ट हेमिंग्वे को ऑलरेडी आप ग्रेजुएशन में बीए में पढ़ चुके हैं. द ओल्ड मैन एंड द सी उसकी एक नावल था, बहुत फेमस नावल है. मैं अपनी बात का आगाज वर्ल्ड वॉर से करूँगा. आपके पास रजिस्टर होने चाहिए. वो लोग जो दूर दराज, चाहे सऊदी अरब बैठे हैं, चाहे बहरीन बैठे हैं, यूएई बैठे हैं, वो लोग जो मेरे सामने हैं या पाकिस्तान में, रजिस्टर आपके सामने, आपने उसके ऊपर चीज़ें नोट करनी हैं. मैं हर एक चीज़ बताऊंगा, नावल यहीं पर प्रिपेयर करेंगे विद द विल ऑफ गॉड. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हुई थी और 1918 में ख़त्म हुई थी. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि जिस ऐसी जंग जिसमें पूरी दुनिया ने तकरीबन हिस्सा लिया था. रशिया ने हिस्सा लिया, अमेरिका ने हिस्सा लिया, जर्मनी ने हिस्सा लिया, पोलैंड ने हिस्सा लिया, आयरलैंड उसके अंदर, इंग्लैंड उसके अंदर, तकरीबन पूरी दुनिया के कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया था. और ये जंग 1914 से, जैसे मैं कह रहा हूँ, शुरू हुई और 1918 पर ख़त्म हुई. डेट्स में डिफरेंस भी होता है. कुछ लोग कंसीडर करते हैं, नहीं जी, वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हुई तो 1919 में ख़त्म हुई या 1920 में ख़त्म हुई. इट्स नॉट अ मैटर. जस्ट हमें अज्यूम, अंदाज़ा होना चाहिए कि मेन जंग वॉर कब से कब तक हुई. सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है 1939 से 1948 तक. 1939 टू 1948. इन दो जंगों के अंदर जर्मनी गालिब रहा है. गालिब से मुराद यह है कि डोमिनेंट रहा है. ज़्यादा काज वजह वहीं बना है जंग की. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो बहुत ज़्यादा तबाही की है जर्मनी ने. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यू कैन से दैट जर्मनी को शिकस्त हुई है. जर्मनी में कौन था उस वक्त? आप कह सकते हैं जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो हिटलर था वहाँ पर जो लीड कर रहा था. हिटलर बहुत फेमस करेक्टर है दुनिया का, बहुत जालिम, बहुत बड़ा जंगजू, बहुत सख्त तबीयत का कोई शख्स था, स्पेशली ज्यूज़ के खिलाफ था. पूरी दुनिया को उसने हिला कर रख दिया था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन जर्मनी को शिकस्त हुई है. हिटलर डोमिनेंट नहीं था. तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर बताने का मकसद ये है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये लिखा जाने वाला, या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो जनरेशन आई है, जो लोग आए हैं, जो फ़िलासफ़र, थिंकर, पोइट, जितने भी किस्म के लोग थे, साइंटिस्ट थे, तमाम लोग मायूसी का शिकार थे. उनको लॉस्ट जनरेशन कहा जाता है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो लोग हैं उनको लॉस्ट जनरेशन कहा जाता है. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर यू कैन से दैट 50 ईयर्स बाद तक की जो जनरेशन आती है उसको लॉस्ट जनरेशन कहते हैं, LOST, लॉस्ट जनरेशन. लॉस्ट जनरेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लोग मायूस थे. मायूस ये लोग क्यों हुए थे? इसलिए कि पहली जंग के तजर्बात ही ऐसे थे कि इंसान वहाँ पर इस कंसेप्ट के साथ गया था कि हम वहाँ जाकर बहादुरी का मुजाहरा करेंगे, लेकिन जब रियल वहाँ पर फील्ड में वो उतरे हैं तो वहाँ पर इंसान से मुकाबला करने मशीन्स आई थी, और जिसकी टेक्निक और मशीन ज़्यादा बेहतर थी, अच्छी थी, वो विन कर रहा था. तो ब्रेवरी का कोई कारनामा वहाँ पर नहीं था. तो लोग बहुत मायूस हुए थे कि हमारा मुकाबला तो मशीन्स के साथ है. इसका मतलब वी हैव टू वर्क इन मशीनरी, वी हैव टू वर्क इन टेक्नोलॉजी, ना कि हमें फिज़िकली वहाँ ब्रेवरी के कोई कारनामे सर अंजाम देने हैं. तो ये एक इम्पेक्ट था. और साथ एक वजह और भी थी,
जंग ने इंसान के जो रिलीजन है उसको शेक किया था, इंसान का जो बिलीफ था वो शेक हुआ था। इंसान जो क्रिश्चियन है वो गॉड पर, क्राइस्ट पर बिलीव रखते थे, लेकिन जंग के मैदान में जब उतरे हैं उनको शिकस्त का सामना भी हुआ है, तो वो उनकी ईमान शेक हुए हैं। बिकॉज इन दोज डेज देयर वर पीपल, पीपल वर इंटेलिजेंट, उन दिनों में लोग ज़हीन भी थे, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लोग ज़हीन थे। जब वो जंग के मैदान में उतरे तो क्रिश्चियनिटी पर उनका बिलीव शेक हो गया, बाकायदा रिलीजन पर गिरफ्त कमज़ोर हो गई। और दूसरी अहम बात ये थी कि डार्विन की थ्योरी उस वक्त एग्जिस्ट कर रही थी, तो डार्विन की थ्योरी भी बैंग कर रही थी रिलीजन के हेड पर, मज़हब के सर पर वो बहुत ज़्यादा गूंज रही थी, मुक्के बरसा रही थी डार्विन की थ्योरी। क्या थी डार्विन की थ्योरी? कि इंसान कोई खलाई मखलूक नहीं है, जन्नत से नहीं आया, दोजक में नहीं जाना, बल्कि इंसान दूसरे जानवरों के साथ ही उसी का ही फैमिली मेम्बर है और सबका जरासूमा एक ही है। इंसान पहले एक जरासीम था, जरासीम पेचीदा से पेचीदा होता गया और अपने जैसे पैदा करता गया, और फिर इस तरह जो सहरा में पहुंच गया ऊँट बन गया, जो जंगल में पहुंच गया शेर बन गया, जिसको ज़्यादा ग़िज़ा हासिल करने के लिए सोचना पड़ा वो इंसान बन गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये भी उठाया जाता है कि वो जरासूमा कहाँ से आया था, वो जरासूमा कहाँ से आया था? उसके एविडेंस ये हैं कि आप आसमान पर बिजली देखते हैं, चमकती है, एनर्जी है, बादल गरजता है, साउंड की एनर्जी है, समंदर में इरताश होता है, एनर्जी है, कशिश मौजूद है, एनर्जी है, एनर्जी मौजूद है, एनर्जी का पैकेट, एनर्जी का एक छोटा सा जरासूमा वजूद में आना कोई अचंभा नहीं है। तब अगर इतनी एनर्जी मौजूद है ज़मीन के ऊपर, तो एक एनर्जी का पैकेट बन जाए, एनर्जी का एक छोटा सा जरासीमा वजूद में आ जाए, तो ये अचंभा नहीं। तो ये डार्विन की थ्योरी को असल में मैं बता रहा था कि वो क्या थी। तो डार्विन की थ्योरी के इम्पेक्ट भी पूरी दुनिया पर थे, तो वैसे ही लोग जो है वो सोच विचार कर रहे थे। तो फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों के अंदर दो तरह की रविश पाई जाती थी। एक तरफ वो सैड थे, डिसअपॉइंटमेंट उनके अंदर थी, और वो बस डिसअपॉइंट थे और मायूस थे, वो बस कैफ़े में बैठे रहते और वहाँ पर सिगरेट नोशी करते और शराब पीते थे और फिर मैरी मेकिंग करते थे। और दूसरी तरफ, एक तरफ तो मायूस हैं, कैफे में बैठकर वो ये काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो ज़िंदगी के मीनिंग भी तलाश कर रहे हैं। और फिर ज़्यादातर व्यू यहीं बनता है, अर्नेस्ट हेमिंगवे का व्यू यहीं बनता है उसके तमाम हीरोज़ को देखकर, कि ज़िंदगी का, ग्रेव के बाद कोई ज़िंदगी नहीं, मौत के बाद, अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट हेमिंगवेज व्यू, कि ग्रेव के बाद कोई ज़िंदगी नहीं, ज़िंदगी यहीं इसी ज़मीन के ऊपर है, यहीं ज़मीन सॉलिड है। अब ज़िंदगी के मीनिंग हर शख्स के वही हैं जो वो कंसीडर करेगा। यानी कि हम देखते हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे का हीरो कोई भी है, चाहे वो ओल्ड मैन है या फॉरोम द बेल टॉल्स का रॉबर्ट जॉर्डन है, वो खुद ही अपने मीनिंग तैयार करते हैं कि ज़िंदगी का मतलब है कोई कारनामा सर अंजाम देना। वो फिर कारनामा सर अंजाम देने के लिए आगे बढ़ते हैं और उस कारनामे को पूरी हद तक पहुँचाते हैं, बस यही ज़िंदगी है। अर्नेस्ट हेमिंगवे अपने हीरोज़ के ज़रिए ये नहीं बताना चाहता कि ज़िंदगी का मतलब है कोई चीज़ जीत जाना, विनर्स गेन नथिंग, जैसे जैसे एक व्यू है। लेकिन लोग कहेंगे ये तो मायूस कुन व्यू है, लेकिन अर्नेस्ट हेमिंगवे का जो व्यू है थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये है, विनिंग इज नथिंग, जीतना कुछ नहीं है, बट वांट टू विन इज, विनिंग इज नथिंग बट वांट टू विन इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, के जीतना कुछ भी नहीं है लेकिन जीतने की ख्वाहिश होना बहुत कुछ है, इम्पॉर्टेंट है, ये अहम है। यानी कि स्ट्रगल इज लाइफ, अटैम्प्ट इज लाइफ, झपटना है, कोशिश करनी है, ये ज़िंदगी है, जीत जाना कुछ नहीं होता।
क्योंकि हम अपनी लाइफ में भी देखें अगर इस फिलॉसफी को, हम मैट्रिक जीत जाते हैं तो फिर एफए जीतने की कोशिश में लग जाते हैं, फिर एफए जीत जाते हैं तो बीए जीतने की कोशिश में, एमए जीतने की कोशिश में, फिर जॉब जीतने की कोशिश में, फिर बेगम जीतने की कोशिश में, फिर उसके बाद फिर उनको संभालने की कोशिश। इट्स मीन दैट हमारे टारगेट अगर कंप्लीट होते हैं तो फिर हम नया टारगेट बनाते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे अंदर स्ट्रगल जारी रहे। ओके तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे के नावल्स भी इसी पर व्यूज पर हैं। अब मैंने क्या किया है आपको पता चला है, मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो लॉस्ट जनरेशन के राइटर्स थे उनको मैंने उस वक्त की सिचुएशन में डिस्कस किया है कि उस वक्त सूरत हाल क्या है, मायूसी भी है, ज़िंदगी के मीनिंग भी तलाश किए जा रहे हैं। अर्नेस्ट हेमिंग्वे उस दौर का राइटर है और उसने ऐसी ही राइटिंग्स की हैं जिसमें यही बातें आई हैं, ठीक है। ये लफ्ज़ ज़ाया नहीं गए, लेकिन आप जब मेरा लेक्चर सुन रहे होते हैं तो उस वक्त आप इस चीज़ पर कंसंट्रेट करेंगे कि मैं बात को किसके साथ लिंक कर रहा हूँ। हर बात किसी ना किसी बात से लिंक मैं ज़रूर कर रहा होता हूँ। अगर आपकी कंसंट्रेशन भटक जाएगी इधर उधर तो मेरा पूरा लेक्चर आपके लिए फ्यूटाइल हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। आइए तो हम बात शुरू करते हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे से। अच्छा, इसे अर्नेस्ट हेमिंग्वे पढ़ते हैं, मैंने अमेरिकन को प्रोनाउंस करते हुए सुना है उन्हें अर्नेस्ट हेमिंग्वे कहते हैं, वॉय कहते हैं। ओके, और वे को भी वॉय कहते हैं वैसे, इसीलिए मैंने इसे अर्नेस्ट हेमिंग्वे कहा है। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे वॉज बॉर्न इन जुलाई 21 जुलाई को पैदा हुआ था 1899 में। यू हैव टू राइट ऑन योर रजिस्टर 21 जुलाई, बड़ी गर्मी थी, 1899 में पैदा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1898 है, 1899 नहीं 98 है। क्यों कहते हैं, वो कहते हैं, फिर कुछ लोग क्लेम करते हैं, वो कहते हैं नहीं ये एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ नहीं है 98 वाली, 99 ही एक्चुअल बर्थ है उसकी, लेकिन क्योंकि वो आर्मी में जाना चाहता था और आर्मी में उसकी एज पूरी नहीं होती थी इसलिए उसने वहाँ पर 1898 लिखवा दी अपनी एज, ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखवा दी। तो आप जहन में रखें कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे की डेट ऑफ बर्थ 1899 है एंड ही डाइड इन 1961 में उसकी डेथ हुई है, और ये 2 जुलाई था, 2 जुलाई। ही वॉज बॉर्न इन अमेरिका, अमेरिका में ओक पार्क में पैदा हुआ था, ओक पार्क में, OAK ओक PAR के पार्क। डेथ हुई है 1961 में, और परसिकेशन मैनिया एक बीमारी है, हैजानी कैफियत होती है, जनूनी कैफियत होती है, माइंड जो है प्री एक्टिव हो जाता है, माइंड के अंदर एरर आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें माइंड के अंदर क्लैश कर जाती हैं आपस में। तो इस कैफियत को गुस्से की, एंगर की, टेंशन की, एंग्जाइटी की, या प्री एक्टिव होने की जो कंडीशन है इसको कहते हैं परसिकेशन मैनिया कहते हैं। अच्छा जी, आपने देखा ये डेट ऑफ बर्थ इसकी, तो आप देखिए कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे क्या दोनों वर्ल्ड वॉर्स में मौजूद था। तो बोथ वर्ल्ड वॉर्स इसने देखी है। हु इज हियर, ओके ओके, तो ये जो पीरियड है पूरा का पूरा, ये अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने दोनों वो देखी हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी देखी, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी देखी। तो यू कैन से दैट इट इज़ कन्फर्म दैट ही वॉज अ मेम्बर, ही वॉज अ पर्सन ऑफ लॉस्ट जनरेशन, वो लॉस्ट जनरेशन का ही शख्स था। बिटवीन टू वॉर्स वो मौजूद रहा है। अगर लॉस्ट जनरेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान में मौजूद लोगों को कहा जाता है तो ही वॉज ऑल्सो द मेम्बर ऑफ लॉस्ट जनरेशन। अर्नेस्ट हेमिंग्वे फर्स्ट वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में मौजूद था। इस वर्ल्ड वॉर में उसके और भी साथी हैं जो इस तरह की राइटिंग भी करते हैं और इस मिजाज के भी हैं, वो है स्टीनबीक है,
स्टेन बी का आपने पढ़ा था, वो बी ए के अंदर एक स्टोरी थी ब्रेकफास्ट। विलियम फॉकन्स है और स्कॉट थॉमस वुल्फ है और रॉबर्ट पेन है इसके अंदर। तो ये सारे के हैं, ये लॉस्ट जनरेशन के राइटर्स हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं। फॉकनर नो दैट इज नॉट अवेलेबल इन दिस बुक। ओके, तो फॉरम द बेल टॉल से पहले भी अर्नेस्ट हेमिंगवे ने नावल लिखे हैं। अर्नेस्ट हेमिंगवे सबसे पहले आर्मी में गया है, आर्मी में जाने के बाद आर्मी में उसने बड़ी जुरत के मुजाहरे किए हैं। ही वॉज अ वेरी गुड ड्राइवर एंड एम्बुलेंस ड्राइवर था, फिर सिपाही भी था। इवन कि मतलब जंगों में ये सूरत हाल थी उसकी कि कई बार मौत के मुंह से बचा है। एक बार तो बम ब्लास्ट हुआ तो इसके सारा जिस्म जख्मी था और साथ भी एक और शख्स भी था, वो भी ज़ख्मी हुआ। तो उस शख्स को कंधे पर उठाकर वो हॉस्पिटल तक ले आया है और वार के दौरान चॉकलेट बांटता फिरता था साइकिली के ऊपर। ठीक है, वो कहते हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे जैसा जीदार शख्स हमने ज़िंदगी में नहीं देखा। उसके जिस्म पर कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ ज़ख्म ना हो, पूरा जिस्म ज़ख्मी था। दो मरतबा तो एरोप्लेन क्रैश हो गया उसका चेहरा सारा बर्न हो गया, आर्म बर्न हो गया, स्पाइनल कॉर्ड उसका पीछे डिस्टर्ब हो गया, मतलब इंजरी बहुत ज़्यादा उसको हो गई, लेकिन फिर भी बच गया। ही वॉज डिटरमाइंड, मतलब बड़े हिम्मत वाला शख्स था वो, बड़े जीदार। और मैरिज भी मेरे ख्याल में उसने चार शादियाँ की हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। तो शराब पीने का बहुत ज़्यादा शौकीन था, वो कहते थे कि इसके जो इसका कॉर्ड थी, गाड़ी थी जिसको वार के दौरान या वेर एवर ही इज़, वो कार्ड में जब होता था तो उस कार्ड में हर वक्त इतनी शराब मौजूद होती थी कि उससे पूरी एक पार्टी की जा सकती है काफ़ी सारे लोगों की, यानी कि ड्रंक कार्ड। और ड्रंक कार्ड होने की वजह से इसको कहते थे बिग पापा, इसको बिग पापा कहते थे। फिर ये सहाफ़ी बन गया, टोरेंटो न्यूज़पेपर का एक जर्नलिस्ट बन गया, उसका रिपोर्टर बन गया, वार की रिपोर्ट करता रहा। फिर जब ये नावल लिखने पर आया है तो इसने नावल जो लिखा है, पहला नावल लिखा है द सन आल्सो राइजेस, 1926 में लिखा है, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही लिखा है। द सन आल्सो राइजेस 1926 में लिखा है। और इसका टॉपिक क्या है, इसके यहाँ टॉपिक है जंग और माशरा, जंग के माशरे पर क्या असरात हैं, जंग और माशरे का आपस में क्या ताल्लुक है। सेकंड इसका नावल फेयरवेल टू आर्म्स, जंगों को खुदा हाफिज, फेयरवेल एफ ए आर ई डब्ल्यू डबल एल, फेयरवेल टू आर्म्स जंगों को खुदा हाफिज 1927 में। हम 1927 में ये नावल आया था तो इसका टॉपिक जो था वो था जंग और इखलाक, मोरेलिटी, वार एंड मोरेलिटी, दैट वाज द टॉपिक ऑफ दिस नावल। तो आप देखते हैं कि पहला सन आल्सो राइजेस 1926 में आया और 1927 में फेयरवेल टू आर्म्स आ गया। तो इसको ट्विन नावल्स भी कहते हैं, अर्नेस्ट हेमिंगवे के ट्विन नावल्स कहते हैं। उसके बाद थर्ड जो नावल लिखा है उसने, वो लिखा है फॉरम द बेल टॉल्स, घंटी किन के लिए बजती है, ज़िंदगी किन के लिए होती है, घंटी किन के लिए बजती है, खुशी की घंटी है, काबिलियत की घंटी है, ये घंटा किसके लिए बजता है, ये घंटा उसी के लिए बजता है जो ज़िंदगी के मीनिंग बनाता है, बुनता है, जो ज़िंदगी की मीनिंग बनाता है, बुनता है और कोई कारनामा सर अंजाम दे जाता है। ठीक, या ये घंटा उसके लिए बजता है जो स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है, जो मायूस होते हैं उनके लिए घंटा नहीं बजता। तो ये असल में नावल पूरा का पूरा जो है वो स्पेन की खाना जंगी के ऊपर है। स्पेन, स्पेन कंट्री का नाम है, स्पेन की खाना जंगी के ऊपर है नावल, ये जंग के ऊपर है। स्पेन के साथ जर्मन लड़ रहे थे, जर्मन स्पेन पर कब्ज़ा कर रहे थे, तो उसके ऊपर ये बताया गया है कि जिस स्पेन पर जब जर्मन कब्ज़ा कर रहे थे तो उस वक्त एक करैक्टर जॉर्डन, उसने
एक अहम किरदार अपना अपनाया है, निभाया है, वो क्या था? अच्छा, आफ्टर दिस फोर्थ नंबर पर है द ओल्ड मैन एंड द सी। ये इंसान और फितरत, इसका टॉपिक था कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ इंसान किस तरह मुकाबला कर रहा है। 1952 में लिखा गया, ये 1952 में ये नावल लिखा गया था और ये नावल इतना फेमस हुआ था कि पूरी दुनिया ने इसको पढ़ा, ट्रांसलेट किया और दुनिया के मायूस तरीन लोग दोबारा तैयार हो गए अपने घरों को बनाने के लिए, अपने शहरों को तामीर करने के लिए, दोबारा ज़िंदगी को शुरू करने के लिए उन्होंने कमर बांध ली थी। तो पूरी दुनिया के अंदर स्पिरिट पैदा कर, जज्बा पैदा कर दिया था उसने। सेंटियागो उसके अंदर हीरो था, ठीक है। तो 1952 में ये नावल लिखा गया और 1953 के अंदर उसे इसे पल्चर प्राइज़ दिया गया। एक पल्चर प्राइज़ था, बहुत बड़ा प्राइज़ है पल्चर। तो 1954 में अर्नेस्ट हेमिंग्वे को नोबल प्राइज़ दिया गया। अब अर्नेस्ट हेमिंग्वे को लिटरेचर पर नोबल प्राइज़ दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है। और अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने कुछ ज़्यादा नावल भी नहीं लिखे, लिटरेचर में ज़्यादा कोई काम नहीं किया, लेकिन लिटरेचर पर बहुत ज़्यादा असरात छोड़े हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का नावल जो है वो ट्रू होता है, ट्रू रियल एक्सपीरियंसेस पर डिपेंड करता है। जो चीज़ राइटर ने खुद देखी वो चीज़ उसने सिंपल लैंग्वेज में बयान कर दी। और फिर उस वक्त जो इंसान मायूस था, सैड था, या ज़िंदगी के मकसद कोई नहीं थे, या रिलीजन टूट फूट का शिकार हो रहा था, या कम्युनिज्म वहाँ पर बढ़ चढ़ कर आ रहा था, या डार्विन की थ्योरी सामने आकर वो बाकी तमाम बिलीव्स को शेक कर रही थी, तो उस वक्त इंसान को अपनी ज़िंदगी को डिटरमाइन करने के लिए कोई ना कोई फ़िलासफ़ी चाहिए थी, कोई ना कोई कनेक्टिविटी चाहिए थी, वो अपने जीने का कोई मकसद तलाश करना चाहता था। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे के नावल जो हैं वो ईज़ में हैं, आसानी के साथ वो इंसान को एक टाइम बीइंग के अंदर, वक्त के अंदर, ह्यूमन बीइंग नहीं, बीइंग ह्यूमन का दर्श देती है। ह्यूमन बीइंग नहीं, बीइंग ह्यूमन की एक फिलॉसफी देती है। अच्छा, उसके बाद एक नावल और लिखा है अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने, इसका नाम है आ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस। ये छोटा नावल है उसका लिखा हुआ, नावल्टी भी कहते हैं इसे, आ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस, एक साफ रोशन जगह। अच्छा, आफ्टर दिस देयर इज़ अ नावल, द लास्ट नावल ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वे, Across the river and into the trees, मेरा फेवरेट नावल है Across the river into the trees, कि रिवर के पार दरख्तों के बीच। अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने जब ओल्ड मैन एंड द सी लिखा था 1954 में, जब अर्नेस्ट हेमिंग्वे को नोबल प्राइज़ मिला था, तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे नेचुरली बात है वो भी बूस्ट अप हो गया। और बूस्टअप इसलिए भी हो गया, बहुत ज़्यादा बूस्टेड इसलिए भी हो गया, जिनके शोखा हो गया या ज़्यादा उसके अंदर कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, क्यों इसलिए भी हो गया क्योंकि वो शख्स था जिसने पूरी दुनिया को हिम्मत और जुरत का पैगाम दिया और लोगों ने उसकी बात को एक्सेप्ट भी किया, तो वो दुनिया का लीडर बन गया था, इसलिए उसको सराहाया गया। तो जब बहुत ज़्यादा प्रेज हुई इसकी, तो इसने भी फिर अपनी राइटिंग के बहुत ज़्यादा मुआवजे मांगना शुरू कर दिए। जो नावल लिखता तो पैसे बहुत ज़्यादा मांगता पब्लिशर्स से, तो इसने जब लिखा अक्रॉस द रिवर एंड टू अ ट्रीज़, तो क्रिटिक्स ने बहुत ज़्यादा इसको तनकीद का निशाना बनाया, यानी कि नेगेटिव इसके पहलू उजागर किए बहुत ज़्यादा। तो लोग अर्नेस्ट हेमिंग्वे से फिर तनकीद इतनी हुई उसके ऊपर, अर्नेस्ट हेमिंग्वे के इस नावल पर, कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने अपनी एक, अर्नेस्ट हेमिंग्वे के बारे में एक वो था, एक पेपर था, मैंने वो पढ़ा था। अर्नेस्ट हेमिंग्वे कहता है कि मुझसे पूछते हैं लोग, मुझसे पूछते हैं कि एक पर्सन जो नोबल प्राइज़ याफ्ता है उससे पूछते हैं कि जनाब आपके उस नावल का क्या हुआ,
वो अक्रॉस द रिवर इनटू अ ट्रीज आपने लिखा था, कहते मुझसे पूछते हैं ये कैसी बात कर दी, मुझसे पूछ रहे हैं कि नावल का क्या हुआ, जिस शख्स ने इतने बड़े बड़े नावल से पूछते हैं, और वो चाहता था कि उसे रिकॉर्ड ही मिले, लोग उससे अब ना पूछें, ठीक है मे बी। तो इस चीज़ ने उसको बहुत ज़्यादा शौक किया। तो पर्सिकेशन मैनिया वो बीमारी है, और ये बीमारी जो हैजानी कैफियत होती है, इंसान जनूनी हो जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि मैरी मेकिंग एंड ड्रिंकिंग दोनों चीज़ें छोड़नी होगी, शराब भी छोड़ दो और मैरी मेकिंग और सेक्स भी छोड़ दो। ये भी आपको बताऊं कि उस पीरियड के अंदर, जिस तरह के आप इस नावल के अंदर भी देखेंगे, उस पीरियड में क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट भी थी, ज़िंदगी की मीनिंग भी लोग तलाश कर रहे थे, और कैफ़े के अंदर बैठकर फिर वो इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर सामने आता था, जब वो शराब भी पीते थे मैरी मेकिंग भी करते थे, तो फ्री सेक्स का कंसेप्ट उन दिनों में मतलब सामने आ गया था कि खाओ पियो मौज करो, ठीक है ऐश करो, फ्री सेक्स का कंसेप्ट आ गया था। नावल में भी उसकी एक ग्लिम्प्स मौजूद है। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे की लाइफ में भी ये चीज़ें हैं कि वो मैरी मेकिंग और ड्रिंकिंग, ये दोनों चीज़ें उसके अंदर, और इन दोनों को मिलाना, कंबाइन करना, इकट्ठे करना, ये ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन, जीने की सबसे बेहतरीन एग्जांपल थी कि जो शख्स दोनों चीज़ों का अहतमाम एट द सेम टाइम कर लेता था, वह ज़िंदगी को सही तरह से वहीं समझ रहा है, या ज़िंदगी में कोई काम सही वहीं कर रहा है, ये उस वक्त का व्यू था। अर्नेस्ट हेमिंग्वे को जब दोनों चीज़ों से मना किया गया, तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने कहा कि मैरी मेकिंग एंड ड्रिंकिंग बोथ आर लाइफ, और आप कहते हैं कि मैं ज़िंदगी छोड़ दूँ। उसने कहा अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, एक इंसान उसने कहा तबाह तो हो सकता है लेकिन शिकस्त नहीं खा सकता। तो उसने कहा मैंने शिकस्त, ये ज़िंदगी से शिकस्त है, ये पीछे मैंने कभी नहीं छोड़नी ये चीज़ें। वो दोनों काम करता रहा, तो आखिर ये सिचुएशन हो गई कि वो लिख नहीं पाता था, मफलूज हो गया। तो उसने अपने लास्ट वर्ड्स जो लिखे थे, उसने कहा था फारग रहने से बेहतर है इंसान मर जाए, फारग रहने से बेहतर है इंसान मर जाए। और उसने गन से अपने आप को शूट कर लिया, अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने सुसाइड कर लिया। तो वो शख्स जिसने पूरी दुनिया को एक इंस्पिरेशन दी थी, पूरी दुनिया को अंदर जुरत पैदा कर रही थी जीने की, और चीज़ों को फेस करने का मादा पैदा किया था, उस शख्स ने खुदकुशी कर ली, यानी कि बुजदलाना काम कर दिया। लेकिन एट द सेम टाइम इसी चीज़ को हम देखते हैं, तो ये मतलब ये भी है कि वो इस धरती पर, इस ज़मीन पर बोझ नहीं बना। जब उसका फंक्शन ख़त्म हो गया, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया अपने आप को। एक तो ये बात अच्छी है, ये फिर एक पैगाम छोड़ा है उसने कि जी फारग रहने वाले आते उजड़ियाँ नहीं चाहिए, बल्कि काम करने वाले लोग चाहिए। एक तो ये, दूसरी बात यह है कि वो उसने ज़िंदगी से शिकस्त नहीं खाई, उसने उन चीज़ों को छोड़ा नहीं है, यानी कि ही वाज स्टबबॉर्न, सख्त तबीयत का था, स्टबबॉर्न हैं, ज़िद्दी सा था। तो दैट वाज अर्नेस्ट हेमिंग्वे जिसने ये सारा, और इस तरह उसकी डेथ हुई। अब आते हैं हम इस टॉपिक पर कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने जो नावल लिखा है फॉर होम द बेल टॉल्स, हम इसको अब आकर मैनेज करेंगे कि फॉर होम द बेल टॉल्स के अंदर क्या है। घंटा किन के लिए बजता है, पहली बात तो ये थी कि घंटी किन के लिए बजती है, चर्च की जैसे घंटी होती है, ये घंटाल होता है, तो उन्हीं के लिए बजती है जो ब्रेवरी के डीड परफॉर्म करते हैं, जो ज़िंदगी में स्ट्रगल करते हैं, ज़िंदगी वहीं जीते हैं, बाकी ज़िंदगी का, बाकी जो डिसपॉइंट मायूस होकर बैठे रहेंगे, उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होगा, तो वो ज़िंदगी जी ही नहीं रहे। एक तो ये बात वाजह हो जाती है, ठीक है। तो इस नावल के अंदर स्पेन की जंग है, स्पेन में होने वाली एक जंग का एक ग्लिम्प्स नज़ारा दिखाया गया है, और एक आदमी जिसका नाम रॉबर्ट जॉर्डन है, उसका करैक्टर दिखाया गया है कि उसने क्या ड्यूटी परफॉर्म की है। क्लियर, रॉबर्ट जॉर्डन इज़ द हीरो ऑफ दिस नावल। अच्छा, अब हम स्टोरी में इन्वॉल्व होने से पहले कोशिश करते हैं कि अपने ऑडियंस को जो फ़ोन पर हैं उनको बता दें कि करैक्टर्स कौन कौन से हैं। हम करैक्टर्स लिखवाएंगे आपको, आप अपने रजिस्टर पर थोड़ा सा उसके बारे में लिखते जाइएगा, छोटी छोटी बातें, करैक्टर तैयार हो जाएंगे, तो उसके बाद हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं।
तो हमारी स्टोरी कंप्लीट होगी, बाकी फिर डिबेट है, चलती रहेगी। फर्स्ट करैक्टर नंबर 1 लिखेंगे रजिस्टर पर और आगे लिखेंगे रॉबर्ट जॉर्डन, RBERT, रॉबर्ट जॉर्डन, JORDAN, रॉबर्ट जॉर्डन। ओके, एक्चुअली ही इज अमेरिकन, ही इज अ ट्यूटर इंस्ट्रक्टर ऑफ स्पेनिश लैंग्वेज, स्पेनिश लैंग्वेज पढ़ाता है ये अमेरिका में। तो he used to hate his father, अपने बाप से नफरत करता है, because he was covered eyes, उसका बाप बुजदिल था। ख़ास तौर पर रॉबर्ट जॉर्डन की माँ जो थी वो तेज़ और ज़्यादा ऊँचा बोलने वाली थी, बोल्ड थी, और उसका बाप उसका सामना नहीं कर सका, मुकाबला नहीं कर सका, और उसने खुदकुशी कर ली थी। किसने, किसके, रॉबर्ट जॉर्डन के फादर ने सुसाइड कर ली थी। तो इसलिए रॉबर्ट जॉर्डन अपने बाप से नफरत करता है, लेकिन रॉबर्ट जॉर्डन अपने दादा से मोहब्बत करता है। क्यों, उसके दादा ने ब्रेवरी के डीड्स परफॉर्म किए थे अमेरिकन सिविल वॉर में। अमेरिका की जब सिविल वॉर हुई थी, अमेरिका के अंदर वो हलका जो कहता कि हम बरतानिया के साथ हैं उनके, और वो हलका जो कहते थे नहीं, अमेरिका ही हमारा मुल्क है, अब हमें ब्रिटिश के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखना, उसके ग़ुलाम नहीं बनना हमें। तो ये सिविल वार हुई थी, आई थिंक ये 17 समथिंग में, 17 लेट 18 सेंचुरी में हुई थी ये सिविल वार, लेट 18 सेंचुरी में सिविल वार। तो रॉबर्ट जॉर्डन का जो दादा था उसने अमेरिकन सिविल वार के अंदर बहादुरी के कारनामे सर अंजाम दिए थे, इसलिए रॉबर्ट जॉर्डन अपने दादा को, दादा से मोहब्बत करता है, उसकी प्रेज करता है, और उसको मॉडल बनाया हुआ है उसने, और अपना आइडियल तस्वर करता है, और वैसी ही ज़िंदगी जीना चाहता है, वैसी ज़िंदगी जीकर वो मुदावा करना चाहता है, वो कोई चीज़ का हर्जाना देना चाहता है कि उसका बाप इतना बुजदिल आदमी था। अच्छा जी, ये जो रॉबर्ट जॉर्डन है ये कहाँ का रहने वाला है, देखो ना, अमेरिका, करता क्या है ये, ट्यूटर है, स्पेनिश लैंग्वेज का ट्यूटर, स्पेनिश ट्यूटर नहीं है ये, अमेरिकन है असल में, और स्पेन की लैंग्वेज पढ़ाता है, स्पेनिश लैंग्वेज पढ़ाता है, ठीक है। आप क्योंकि स्पेनिश लैंग्वेज पढ़ाता है इसलिए इसे स्पेन से मोहब्बत भी है, ठीक है, अमेरिका में रहने के बावजूद, हाँ अमेरिका में रहने के बावजूद से मोहब्बत स्पेन से है। जब स्पेन पर मुश्किल वक्त आया है कि स्पेन पर जर्मनी हमला कर रहा है जब, तो उस वक्त रॉबर्ट जॉर्डन के अंदर एक जोश पैदा हुआ और वो चाह रहा था कि वो जाए और वो बग़ैर मुआवजे के जाकर वहाँ पर कोई बड़ा काम सरंजाम दे, और ये जहन में रख कर कि वो फाशिस्ट के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। फाशिस्ट कौन, जर्मनी वाले, फासिस्ट का मतलब वो कहते हैं वैशी, जनूनी, पागल, ब्रूट, वो जर्मनी वाले जो फासिस्ट हैं ये उनके ख़िलाफ़ जाके काम करे, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फॉर द सेक ऑफ स्पेन, स्पेन को बचाए, इंसानियत को बचाए, ठीक है। ये जज्बा है, और इस जज्बे के तहत जब लोग इससे आकर मिले हैं, अमेरिका को भी एक ऐसे आदमी की ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि स्पेन के अंदर जहाँ पर जर्मन आकर बैठे हैं वहाँ पर शहर से कनेक्ट करने के लिए एक पुल है स्टील की, अगर उस पुल को उड़ा दिया जाए किसी तरह से तो जर्मन उस शहर में दाखिल नहीं हो सकेंगे, मुश्किल में पड़ गए। स्पेन में ही, स्पेन के बॉर्डर पर कहीं जर्मन आकर बैठे हैं और वहाँ दरमियान में एक पुल है लोहे का, उस पुल को उड़ाना है। तो ऐसा शख्स चाहिए अमेरिका को जो स्पेनिश लैंग्वेज बोल सकता हो, ताकि वो जाएगा उस पुल के करीब जो लोग रहते हैं उनसे स्पेनिश में बातचीत करेगा,
और फिर उन्हें समझाएगा भाई मेरा मकसद है जर्मन को रोकना, मेरा साथ दो, और इस पुल को तोड़ देते हैं, उड़ा देते हैं। बात समझ आई कि नहीं? अच्छा, रॉबर्ट जॉर्डन स्पेनिश लैंग्वेज जानता है, अमेरिका में रहता है, कोई कारनामा सर अंजाम देना चाहता है। अमेरिका को इस वक्त ज़रूरत है एक ऐसे आदमी की जो स्पेनिश लैंग्वेज बोलता हो और वो वहाँ जाकर ब्रिज को उड़ा दे लोगों से मिलकर, स्पेनिश लोगों से मिलकर, ताकि जर्मनी वाले स्पेन के अंदर दाखिल ना हो सकें। अमेरिका क्यों ऐसा चाहता है? क्योंकि अमेरिका ठेकेदार जो है दुनिया का, ठीक है। नेक्स्ट सुपर पावर था, सुपर पावर रशिया था। अच्छा। ये बात रॉबर्ट जॉर्डन का समझ आ गई बात? यस सर। ठीक है, रॉबर्ट जॉर्डन को हम देखते हैं तो तन्हाई की ज़िंदगी उसकी नज़र आती है हमारे सामने। और ये दिलचस्प बात है कि अर्नेस्ट हेमिंगवे के मोस्टली जो हीरोज़ हैं वो लोनलीनेस का शिकार होते हैं, तन्हाई का शिकार होते हैं। ही वॉज नॉट मैरिड इन अमेरिका, अमेरिका मैरिड नहीं था, क्लियर। अमेरिका में रहता हुआ ये मैरिड नहीं था। टॉल मैन है, ऊंची कद का आदमी है और नियर अबाउट 40 के करीब है, 40 साल उम्र इसकी है, क्लियर। अब दूसरा करेक्टर है पैब्लो, पी ए बी एल ओ, पैब्लो। ये एक गुरीला है स्पेन का, स्पेन के अंदर गुरीला है। देखो बेटा, बाज़ अवकात जंगलों के अंदर कुछ लोग रहते हैं असले के साथ और मुल्की मफाद में होते हैं, उनको खाना पीना भी मुल्क देता है। जिस तरह के हमारे यहाँ मुजाहिद होते हैं, वो आर्मी तो नहीं होती हमारी, वो बग़ैर मुआवजे के अपन अपने वतन की मोहब्बत में या अपने रिलीजन की मोहब्बत में किसी न किसी उसमें काम कर रहे होते हैं कोई ना कोई, ठीक है, उन्हें गुरीला कहते हैं, क्लियर है। तो ये पैब्लो एक गुरीला है जो उस ब्रिज के करीब स्पेन में रहता है, पहाड़ों में रहता है, उस ब्रिज के साथ जो पहाड़ियाँ हैं उनमें रहता है पैब्लो। मोटा सा है, ग्रीन ब्लू आँखें हैं, मोटा मोटा इसका चेहरा है, चौरस खुला जिस्म है, किसी ज़माने में बड़ा बहादुर होता था, बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे चुका है। इस वक्त तकरीबन 55 इयर्स ओल्ड है, 55 साल का है। रैश है, जंगली बैल की तरह है, गुस्सीला है, सेल्फिश है, अनकम्प्रोमाइजिंग है, स्टबबॉर्न है, ज़िद्दी है गुरीला। और ये उसी ब्रिज के करीब रह रहा है पहाड़ों के अंदर। इज इट क्लियर? तो क्या ख्याल है, जब जॉर्डन वहाँ पर गया है उन्हीं पहाड़ों में ब्रिज के करीब स्पेन में, तो ज़हरी बात है उसको पैब्लो जैसे गुरीला की ज़रूरत थी जो उसकी हेल्प करता। ज़रूरत थी कि नहीं थी? नहीं थी, इसलिए नहीं थी क्योंकि स्टोरी के हवाले से है, लेकिन आपको देखें भी आपने पहले कहा कि उसको ऑटोमेटिकली बहुत पावरफुल था। कौन पावरफुल था? स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर रॉबर्ट जॉर्डन। तो फिर उसको पुल को तोड़ने के लिए किसी और बंदे की जरूरत भी थी ऑलरेडी। तो लैंग्वेज से तोड़ता? नहीं नहीं, तो लैंग्वेज भी पावरफुल, लैंग्वेज अच्छी जानता, तो लैंग्वेज अच्छी जानने से क्या फ़र्क पड़ता है? वो कोई लोगों को समझाने के लिए तो। अच्छा, वहाँ जाकर समझाता कि जर्मन को भी और स्पेनिश को ना लड़ो, ना लड़ो, पागल बेवकूफ़। वो गुरीले के साथ मिलकर एक पूरी एक प्रोजेक्ट लेकर जा रहा है, उसने एक ब्रिज को ब्लो करना है। अब है तो वो टीचर, लेकिन ब्रिज को ब्लो करेगा, वो है टीचर लेकिन मैनेज करेगा वहाँ जाके, वहाँ जाके तमाम गुरीलास से मिलेगा, उनको अपना हम ख्याल बनाएगा, हम ख्याल बनाने के बाद फिर ब्रिज को ब्लो किया जाएगा, ठीक है। एक मैकेनिज्म है ना, तरीका है, कभी जंगे नहीं लड़ी घर में भी। अच्छा अच्छा, तो आप सीख लें, घर में भी जंगे लड़नी हो तो पहले दो चार गुरीले अपने साथ कर लिया करें, फिर जंग जीत जाएंगे। अच्छा, अब ये थका हुआ शख्स है और बस घोड़ों से मोहब्बत करता है पैब्लो,
ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट कैरेक्टर है पिलार, पिलार, पी आई एल ए आर, पिलार। पिलार इज अ लेडी, जिप्सी है, जिस तरह हमारे यहाँ यहाँ पर चंगड़ होते हैं, पक्कीवास होते हैं, ओड होते हैं, ठीक है, ये छोटी जाते हैं, ठीक है, वो काम काज के लिए एक सिस्टम बना हुआ है, हम लोग ऊपर बैठे होते हैं, काम काज के लिए कमी कमीन इनको रखा होता है हमने, तो इसी तरह ये जिप्सी है, ये छोटे दर्जे की ज़ात में से है, वहाँ के जो छोटा दर्जा है उसको जिप्सी कहते हैं उसे। ये जिप्सी जो होते हैं ये ज़्यादातर चिमनी स्वीपर होते हैं, गटर्स वगैरह, बैगर्स, इस तरह के होते हैं। कौन बेटा वट सेवर, वो आप अपने मुल्क की अलग बात है, उनके मुल्क जिप्सी बस छोटे दर्जे की छोटी जात के लोग होते हैं। ये जिप्सी है वेमेन, ये औरत है, ये जिप्सी है, और ये पैबलो की कंसीडर्ड वाइफ है, ठीक है, पैबलो का पेयर है। शी इज़ रियली ब्रेव, बहुत बहादुर है, और गुरीला के जितने सेट वहाँ मौजूद हैं, गुरीला के जितने लोग मौजूद हैं, जितने गुरीलाज वहाँ मौजूद हैं, तकरीबन तमाम का सपोर्ट सेंटर है, सपोर्ट सेंटर, सेंटर यहीं है। हालांकि लीडर वहाँ पर पैबलो ही है, लेकिन पैबलो की इतनी वर्थ नहीं है जितनी पिलार की है। तमाम लोग, तमाम गुरीले या गुरीले का कोई और ग्रुप, वो पिलार की बात को ज़्यादा मानता है, ठीक है। पिलार जो है वो कई फंक्शन परफॉर्म करती है उसके अंदर, वो घर का खाना भी पकाती है, घरों में रहते हैं ये, खाना वाना भी वो तैयार करती है, जंगे भी लड़ती है वो, और जब रॉबर्ट जॉर्डन वहाँ पर पहुँचता है तो वो उसको माँ जैसी मोहब्बत भी देती है, और जब वहाँ पर एक मारिया नाम की लड़की उस ग्रुप में होती है उसको भी वो माँ जैसी मोहब्बत देती है, और वह देखो लड़की मारिया ही है जिसके साथ वो रहती है, और इस तरह वो पैबलो को इश्तियाल भी दिलवाती है, उससे मजाक भी करती है। राफील एक और जिप्सी है, राफील, उससे भी ये गपशप करती है, उससे भी टिकलिंग करती है, ये आती है तो बहुत बहादुर करैक्टर होता है ना, ठीक है। और राफील जो है वो जिप्सी है एक, और वो इससे डरता ही रहता है, और इससे ऐसा लगता है कि जैसे वो इसके इश्क में मुबतला है, जिप्सी और राफील, एक छोटी छोटी मूछों के साथ होता है, और एट द सेम टाइम ऐसा लगता है कि जैसे वो इसे डरता भी बहुत है। अच्छा, ये इसके पास कोई डीपर ट्रूथ के लिए कोई मेंटली कोई इंस्पिरेशन भी इसके पास हैं, कोई स्पिरिचुअली इंस्पिरेशन भी इसके पास होती हैं, कोई मिस्टिक कोई इसके पास नॉलेज भी है, ये हाथ भी देखती है, और ये रॉबर्ट जॉर्डन जहाँ जब वहाँ पहुँचता है गुरिलाज के दरमियान, तो उसका हाथ देकर बताती है कि इस आदमी की तो जल्दी डेथ हो जाने वाली है, यानी कि उसको पता चल जाता है कि रॉबर्ट जॉर्डन की ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। तो ये पॉमिस्ट भी है एट द सेम टाइम, ये जिप्सी और। फोर्थ करैक्टर पर आते हैं, फोर्थ करैक्टर इज़ द हीरोइन ऑफ द नावल एंड हर नेम इज़ मौरिया, इसे कह रहे हैं मौरिया, मौरिया, एम ओ की जैसे आवाज़ निकल रहा है मौरिया, एम ए आर आई ए, पढ़ते हैं मौरिया। तो असल में मौरिया जो है उसकी कंप्लीट एक ट्रेजिक स्टोरी है। मौरिया के वालदैन को कत्ल कर दिया गया, जर्मन फाशिस्ट जो हैं, जर्मनी के जो जंगजू हैं ना, जर्मनी की तरफ से, जर्मनी के रहने वाले जो जंगजू थे, उनको सारी दुनिया वाले फाशिस्ट कहते हैं। फाशिस्ट का मतलब वैशी, जुनूनी, पागल। तो ये जर्मन जो फाशिस्ट थे, इनका कोई ग्रुप था जो मतलब ट्रेन को लूट रहा था, बहुत सारी चीज़ों को लूट रहा था, और फाशिस्ट के ग्रुप में मौरिया भी थी। उन्होंने पहले मौरिया के वालदैन को मार दिया था, फिर मौरिया को उन्होंने अपने ग्रुप में शामिल कर लिया, किन्होंने, फाशिस्ट ने, और इसे अपने पास रखा फाशिस्ट ने। अब ये फाशिस्ट जो हैं
इन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अब्यूज़ किया है इसको, रेप किए हैं इसके साथ, मौर्य के साथ वो यूज़ करते थे, ठीक है, मौर्य को। अब तो एक बार ट्रेन के ऊपर पैबलो ने हमला किया एक ट्रेन के ऊपर, ठीक है, वो ट्रेन में फासिस्ट भी थे और पैबलो ने बहुत सारे फासिस्ट मार डाले और मौर्य को वहाँ पर वहाँ से निकालने में कामयाब हो गया। तो पैबलो जो है वो मौर्य को अपने बैंड में ले आया, अपने ग्रुप में ले आया गुरिलास के, और पैबलो जब उसे अपने ग्रुप में ले आया तो पिलार ने उसे बड़ी हेल्प की और उसकी हालत बहुत नाजुक थी, बार बार उससे रेप होते रहते मौर्य से, अब उसकी हालत बहुत बेहतर थी पिलार की वजह से। लेकिन हमें नावल देखकर लगता है कि पैबलो भी शायद वो इन्वॉल्व था, चाहता था मौर्य को, या सेक्सुअली वो अब्यूज़ कर लेता होगा उसे जब भी उसे मौका मिलता है। लेकिन ये भी नज़र आता है कि पिलार से डरता भी है पैबलो, तो हो सकता है ना भी करता हो। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं मौर्य कौन थी, मौर्य फासिस्ट के पास थी, उनके बैंड में थी और वहाँ पर उससे बहुत ज़्यादा रेप हुए थे और फासिस्ट से निकाल कर ले आया था पैबलो। अब ये गुरिलास के ग्रुप में शामिल थी, खाना वाना पकाती थी, वहीं रहती थी, ठीक है। मौर्य वाज ब्यूटीफुल एंड इनोसेंट, शी वाज इन हर मूड, वो इनोसेंट थी, उसके छोटे छोटे बाल थे, हैं बड़े थे छोटे छोटे बाल, उन्होंने शायद इसे गंजा किया था, फिर छोटे छोटे बाल निकल आए इसके। तो रॉबर्ट जॉर्डन जो है पहली मीटिंग में ही वो अट्रैक्ट होता है और मौर्य भी उसको देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, तो इनका पेयर बन जाता है रॉबर्ट जॉर्डन का और मौर्य का। तो ये हीरो और हीरोइन का एक पेयर मुकम्मल हो जाता है। तो रॉबर्ट जॉर्डन इसको रैबिट कहकर पुकारता है, द वर्ल्ड गो रैबिट, तुम चले जाओ रैबिट कहते हैं। एनसेल्मो गुरीला है, एक अहम गुरीला है, बूढ़ा आदमी है, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी पर यकीन भी रखता है, और ये गुरीला तो है लेकिन फिर भी ये सोचता है कि इंसान को मारना गुनाह है, और वो ये बात शेयर भी करता है जॉर्डन से कि इंसान को नहीं मारना चाहिए, ये तो गुनाह है। तो रॉबर्ट जॉर्डन भी एक फ़िलासफी करता है, वो कहता है जो इंसान दूसरे को नुकसान पहुंचाए फिर उसको मारना चाहिए, ठीक, पहले भी मारना। हाँ अच्छा, इसके बाद जो अहम करेक्टर है मेरी नज़र में वो है जी अलसार्डो था, अलसार्डो भाई, जहाँ पर ये पैबलो पिलार और फर्नेंडो या अगस्टिन एनसेल्मो जोखेन ये जहाँ पर रहते थे सारे के सारे गुरिलाज हैं, उनके नाम लिए हैं मैंने, डिटेल में नहीं किया उनके साथ। ये गुरिलाज का ग्रुप जिन केव्स में जा रहता था उससे 2-4 मील हट कर एक और गुरिला का ग्रुप रहता था और उस ग्रुप का लीडर था अलसार्डो। अलसार्डो को सेंथियागो भी पुकारा गया है इस नावल में, ठीक है, अलसार्डो उसका नाम था। एक आँख उसकी बंद थी, बड़ा जीदार बहादुर था, और फिर इससे पिलार जो है वो जॉर्डन को लेकर गई थी अलसार्डो के पास और वहाँ पर जाकर उन्होंने डिबेट की थी, डायलॉग किया था। अलसार्डो ने फिर ये कहा था कि ठीक है ब्रिज को ब्लो करने में मैं भी आपकी मदद करूँगा, ठीक है। तो एक और अहम करेक्टर इसमें है वो है जनरल गोल्स। जनरल गोल्स असल में रशियन जनरल है, रशियन है, तो इसने किसी जगह पर पड़ाव डाला हुआ है, कहीं पर कैंप लगाया हुआ है इसने, और ये इंस्ट्रक्शन पास करता है किसको, रॉबर्ट जॉर्डन को, कि ब्रिज कितने बजे ब्लो करनी है कि नहीं करनी, यानी कि जनरल गोल्स के अंडर रहकर रॉबर्ट जॉर्डन ब्रिज ब्लो करेगा।
रॉबर्ट जॉर्डन आया कहाँ से? अमेरिका से। अमेरिका से ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लेकर आया ब्रिज को ब्लो करने का, लेकिन साथ यहाँ आकर रशियन एक जनरल के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक यहाँ पर वो ब्रिज ब्लो करे। क्यों? वो रशियन जनरल यहाँ आके बैठा हुआ है, वो भी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा है, अमेरिका भी जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा है, ठीक है। तो दोनों स्पेन को बचाने की कोशिश में हैं, हालांकि रशिया के और अमेरिका के आपस में ज़बरदस्त क्लैशेस हैं। रशियन जो है कम्युनिस्ट हैं, वो कह रहे हैं सारी दुनिया के लोग कम्युनिस्ट हो जाएं, नॉन बिलीवर हो जाएं, और अमेरिकन जो हैं वो डेमोक्रेटिक तो हैं लेकिन बिलीवर भी हैं, ठीक है। अमेरिका के लोग बिलीवर हैं? हाँ बिलीवर हैं, वो नाम निहाद बिलीवर हैं, ठीक है, नाम निहाद थोड़े बहुत, रशियन जैसे नहीं। रशियन तो अपने मारोज के अंदर नॉन बिलीवर है ना, अपनी गोदे के अंदर ही वो बिलीवर से नॉन बिलीवर हो रहे हैं ना, वो तो कहीं ना कहीं फिर भी स्पेट के अंदर बिलीव रहता है अमेरिका में, तो यहाँ पर तो शुरू से ही नॉन बिलीवर है ना ये रशियन जो है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये क्या हुआ? तो फिर ये जनरल गोल्स हो गया जो कि रशियन है, और रॉबर्ट जॉर्डन इसके साथ मिलकर काम करता है। इसमें एक करेक्टर और था और वो है काशकिन। ये करैक्टर वाजे नहीं हुआ, सामने नहीं आया नावल में कहीं भी। भाई काशकिन भी अमेरिकन था, और एक बार एक ट्रेन के ऊपर ट्रेन को ब्लो करना था या ट्रेन को साथ कुछ भी करना था, तो ट्रेन को ब्लो करने का मनसूबा प्रोजेक्ट दिया गया था काशकिन को। तो पहले इन्हीं गुरिलाज के साथ काशकिन ने आगे काम किया था, फिर काशकिन की अमेरिका में डेथ हो गई थी। तो ये गुरिलाज में बड़ा वो है तजस्सुस है, ये बार बार पूछते हैं किससे, रॉबर्ट जॉर्डन से, कि जी वो काशकिन का क्या हुआ? तो काशकिन की डेथ तो हो गई है, तो वो थोड़ा सा इशारा देता है कि वो बस हाँ वो गुजर गया है, या इस तरह कहता है जॉर्डन। इसलिए वाज़े नहीं बताता कि उसकी डेथ कैसे क्यों कहाँ हुई, ऐसा ना हो कि ये गुरिलाज जो हैं ये डिसअपॉइंट हो जाएं, ये मायूस हो जाएं। इज इट क्लियर? अच्छा, ये तो हो गया, करैक्टर लिस्ट हो गई, मेजर करैक्टर मैंने बता दिए जो इस स्टोरी के अंदर है। नाउ वी विल स्टार्ट स्टोरी, ठीक है। नावल का आगाज़ रॉबर्ट जॉर्डन से है। रॉबर्ट जॉर्डन इज अ टीचर ऑफ स्पेनिश लैंग्वेज इन अमेरिका। नाउ ही वांट टू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्यों कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहता है? क्योंकि वो अपने दादा का नाम रोशन करना चाहता है और उसे अपने बाप से नफरत है, इसीलिए वो बड़ा काम सर अंजाम कर देना चाहता है। उसको प्रोजेक्ट मिलता है कि एक ब्रिज ब्लो करनी है स्पेन में जाकर। क्यों करनी है, वजह क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी पूरी दुनिया पर मुख्तलिफ मलक पर हमले कर रहा था, कब्जे कर रहा था, बस वो सबको अपने ज़ेर साया करना चाहता था, ठीक है। वो समझ जर्मन समझते थे कि हम गॉड के मोस्ट सिलेक्टेड और मोस्ट मतलब हॉली सबसे ज़्यादा नेक अच्छे लोग हम हैं, वो ये समझते थे, सिलेक्टेड पीपल हैं, तो हम ही कमांड करेंगे दुनिया पर। तो जर्मनी ने जब स्पेन पर हमला किया तो उस वक्त फिर दुनिया को तशवीश हुई, रशिया को तशवीश हुई, भाई जर्मनी तो बहुत आगे आ रहा है, ये तो तबाह कर देगा, ये तो अब स्पेन पर, तो जिस कंट्री पर वो हमले करता था तो अमेरिका और रशिया वहाँ वहाँ उसे अपोज करते थे। क्यों? क्योंकि अगर ये हमले करता हुआ आगे बढ़ता गया तो एक दिन ये हमें भी तबाह कर देगा। और वाकई वो रशिया के बॉर्डर पर उन्होंने जर्मन ने अपनी फोर्सेस ठहरा दी थी, वहाँ पर लड़ाई हो रही थी, तो स्पेन को बचाया जा रहा था इसलिए कि जर्मनी को शिकस्त होना शुरू हो जाए कहीं ना कहीं से। तो वहाँ पर स्पेन में एक शहर के करीब एक ब्रिज थी लोहे की, स्टील की, उस ब्रिज के एक पार जर्मन ने आकर अपना कैंप लगा लिया, उसी ब्रिज के ऊपर से असला गाड़ियाँ आर्म्स हर चीज़ ब्रिज के ऊपर से गुजरकर
फिर स्पेन के शहर में दाखिल होती थी। अब अमेरिकन ने ये सोचा, रशियन ने और अमेरिकन ने, भाई ऐसा करते हैं इस ब्रिज को ब्लो कर देते हैं तो जर्मन को तरसील का रास्ता ही ख़त्म हो जाएगा, तो ये नुकसान देना है। ये एक छोटा सा मतलब नुकसान जो था उन्होंने कंसीडर किया था वो देना था। बड़ा तो उनका प्लान और होगा कि जर्मन को घेरना है चारों तरफ से, मारना कैसे। असल में उनका भागने का रास्ता भी वो बंद कर रहे थे, तरसील का रास्ता भी बंद कर रहे थे। अब ये काम कर सकते थे वहाँ के गुरिलास, जो उस ब्रिज के साथ पहाड़ों के अंदर छुपे हुए गुरिला थे वो गुरिला स्पेनिश ही। लेकिन ये गुरिला जो होते हैं इनकी ज़िंदगी का और कोई मकसद नहीं होता। इनको जब कोई शख्स प्रोजेक्ट देता है तो ये उस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, वहीं से सिगरेट मिलती है इनको, वहीं से फिर इनको शराब मिलती है, पैसा भी मिलता है, हॉर्सेस भी मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं, फिर ये ज़िंदगी गुजारते हैं। फिर 2, 4, 5 साल, 10 साल के बाद फिर कोई प्रोजेक्ट आ जाता है, किसके खिलाफ़ लड़ना है, मुल्क के खिलाफ नहीं जाते, बाकी किसी प्रोजेक्ट पर काम कर लेते हैं। अब उन गुरिलाज को जाकर समझाना भी था, मैनेज भी करना था, और उनको ब्रिज तोड़ने पर एग्री भी करना था, ये सारे सिचुएशन उनको समझानी थी। तो फिर क्या हुआ, फिर उन्हें ऐसा शख्स हुआ था जो स्पेनिश लैंग्वेज में मास्टर हो, जो नेटिव स्पेनिश लैंग्वेज समझता हो। तो फिर भेजा गया किसको, रॉबर्ट जॉर्डन को, और रॉबर्ट जॉर्डन ने ये एक्सेप्ट किया। रॉबर्ट जॉर्डन वहाँ पहुँच गया, रॉबर्ट जॉर्डन अब पहुँच गया है उसी ब्रिज के करीब 3 घाटियों के अंदर माउंटेन्स में, और वहाँ पर सबसे पहले उसकी मुलाकात हुई है एनसेल्मो के साथ, जो कि 50 ईयर्स ओल्ड है, ट्रू क्रिश्चियन है और गुरिला है। जब उससे मुलाकात हुई है वो उसे दिखाता है कि वो ब्रिज कहाँ पर है। रॉबर्ट जॉर्डन उसके साथ जाकर ब्रिज देखता है और अहाता करता है, अंदाज़ा लगाता है, एंगल बनाता है, वो ब्रिज देकर वापस आता है। तो एनसेल्मो उसे बताता है कि यहाँ का जो ताकतवर है गुरिला है वो है लीडर गुरिला, वो पैब्लो है। तो पैब्लो को गार से बुलाया जाता है, पैब्लो बाहर निकलता है, बड़े रूड अंदाज में वो जॉर्डन से मिलता है, और फिर जॉर्डन से वो सिगरेट मांगता है। रॉबर्ट जॉर्डन उसे सिगरेट देता है, वो 2, 4, 5, 6 सिगरेट निकाल लेता है। यानी कि सेल्फिशनेस की दिखाई गई है, ग्रीड दिखाई गई है। और पैब्लो जो है, पैब्लो जब वो सुनता है ये बात कि रॉबर्ट जॉर्डन यहाँ पर है और वो ब्रिज को ब्लो करना चाहता है, तो पैब्लो ये खतरात अब सामने लाता है। वो कहता है कि अगर ब्रिज को ब्लो किया गया तो फिर हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, हम यहाँ पर कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फिर हमें यहाँ से निकल कर किसी और जगह जाना पड़ेगा, इसलिए ब्रिज को उड़ाना हमारे हक में नहीं है। तो वो नीम रजामंद होता है, पूरी तरह से वो एक्सेप्ट नहीं करता इस प्रोजेक्ट को, ठीक हो गया। तो फिर उसके बाद रॉबर्ट जॉर्डन की मुलाकात होती है पिलार से। पिलार जो है बहुत बहादुर है, पिलार उस बात को कंसिडर करती है और वो कहती है कि हम ब्रिज को ब्लो करेंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे पूरा। यानी कि रॉबर्ट जॉर्डन के साथ पिलार कम्प्लीटली उसके साथ हो गई है। पिलार कौन थी, पैब्लो की, पैब्लो की बीवी थी। अच्छा, तो पैब्लो गुरिला है, उसकी बीवी पिलार वो भी गुरिला है। तो वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है मौर्य से, मौर्य गार में से निकलती है तो उसके हाथ में ट्रे होती है, इसमें बिस्किट वगैरह होते हैं या खाने पीने की चीज़ें होती हैं, सामने वो लाती है। जब तो रॉबर्ट जॉर्डन और दोनों आँखों में आँखें डालते हैं मौर्य, और वो मौर्य की आँखें ब्लू हैं, ब्लू कलर की, उसको देखते हैं, पसंदीदगी का इजहार करते हैं, जिसके ऊपर पैब्लो घूर घूर कर देखता है कि ये दोनों एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हो जाता है, मीटिंग्स शुरू हो जाती हैं, गुफ्तगु शुरू हो जाती है, और इसका मैप बनाया जाता है, डेटोनेटर यानी कि एक्सप्लोजन, एक्सप्लोसिव मटेरियल जो है, ये जो क्या कहते हैं उसे, हैंड ग्रेनेड्स, मतलब पिस्टल्स, घोड़े, बारूदी मवाद, वो तारें, मतलब ये तमाम किस्म के जितने भी जंगी चीज़ें हैं उनके नाम लिए जाते हैं, उनको डिस्कस किया जाता है, उनको मैनेज किया जाता है, मैप बनाया जाता है, प्लान बनाया जाता है कैसे वो इसे करेंगे। और इस सिलसिले में रॉबर्ट जॉर्डन
वो इश्क में मुब्तला हो जाता है, मोहब्बत करता है मौर्य से, और दोनों मौर्य वो रॉबर्ट जॉर्डन एक ही बैग के अंदर इकट्ठे सोते हैं और बातें करते हैं, वो दोनों मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं। इस बात पर पैब्लो गुस्से भी है इस बात को, और एक बार मीटिंग में बैठकर पैब्लो पुकारता है मौर्यो मौर्यो काम है, उसने ड्रिंक किया होता बहुत ज़्यादा, कह रहा आओ मेरे बूट के तस्मे बांधो, और फिर कहता है कि तुमने उसको खाना दिया है, उसे खाना रखती हो, मुझे क्यों नहीं रखती हैं, वेरी सिंपल लैंग्वेज में ना। तो फिर एक और जो करैक्टर है गुरिल्ला होता है, वो जाता है और पैब्लो के मुंह पर मुक्का मार देता है, उसके मुंह से खून होता है, बैठ रहता है फिर भी। तो फिर मुलाकात होती है एनसेल्मो के साथ। एनसेल्मो कौन था? ठीक है, एनसेल्मो तो यही बूढ़ा है जो इनके ग्रुप में है, अल्सार्डो एक और ग्रुप लीडर है, अल्सार्डो। तो पिलार, मौर्य, रॉबर्ट जॉर्डन और एक और लड़का होता है, ये सारे जाते हैं वहाँ पर अल्सार्डो के पास, जिसको अल्सार्डो को सेंटियागो भी कहते हैं, उसके पास कहते हैं, और वो भी कहता है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा, और ये बात सारी तय हो जाती है। बस वो लास्ट डे जब हर चीज़ तैयार होती है तो देखते हैं एक दिन वो जर्मन फासिस्ट जो हैं वो आकर इन गुरिल्लास के गारों के करीब आकर वो अल्सार्डो की तरफ निकल जाते हैं और अल्सार्डो के ग्रुप को सारे को मार डालते हैं, और रॉबर्ट जॉर्डन बंदूकें वगैरह लेकर ये सारे राइफल लेकर साइड पर छुपे रहते हैं, और फासिस्ट इनके करीब से गुजर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता। और ये रॉबर्ट जॉर्डन कहता है कि जब तक कि वो अटैक ना करें उस वक्त तक हमने अटैक नहीं करना, हमारी मौजूदगी का पता भी ना चले, ऐसा ना हो कि फिर हमारे पास लिमिटेड टाइम है 72 आवर्स आई थिंक कितने थे, तो इसके अंदर हमने डिस्ट्रॉय करना है सब कुछ, तो हमारा टारगेट। तो रॉबर्ट जॉर्डन उस वक्त इनर कन्फ्लिक्ट में भी आ जाता है, एक तरफ वो लव में मुब्तला है, एक तरफ पैब्लो जैसे करैक्टर से उसका सामना है, एक तरफ बिखरा हुआ वहाँ पर गुरिल्ला सिस्टम है, फिर एक ब्रिज को ब्लो करने का पूरा एक प्रोजेक्ट है, तो इनर कन्फ्लिक्ट में होता है, बहादुरी भी होती है, मैनेजमेंट भी होती है, वो मोहब्बत भी कर रहा होता है। तो एट द सेम टाइम वी कैन सी दैट इन द स्ट्रगल वो रॉबर्ट जॉर्डन एक कंप्लीट ज़िंदगी जीता है 72 आवर्स में, 72 आवर्स में मुकम्मल ज़िंदगी वो जी लेता है, जितनी एक ज़िंदगी इंसान सारा काम करता है ना ज़िंदगी में, वो 72 आवर्स में सारे काम करता है उसके अंदर। अल्सार्डो का ग्रुप तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, रॉबर्ट जॉर्डन परेशान भी होता है कि अब हम इसको तकमील तक कैसे पहुंचाएंगे, क्या हम ब्रिज ब्लो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पीछे से कोई पैगामात भी उसे मिलते हैं कोई इस तरह के जनरल गोल्स की तरफ से कि ब्रिज को ब्लो करने का फ़ायदा नहीं है कोई, या अभी ब्लो नहीं करनी, कोई इस तरह का प्लान मिलता है। असल में जो बेसिक प्लान था वो ये था कि इधर से ब्रिज ब्लो की जाएगी और वहाँ से जनरल गोल्स जो है वो वहाँ से अटैक करेंगे जर्मन फासिस्ट के ऊपर, उनके पास आगे जाने का रास्ता नहीं होगा, पीछे से वो अटैक करेंगे, आगे से ब्रिज ब्लो हो जाए, लेकिन इनका टाइमिंग बड़ी सेट होनी चाहिए। तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने जो राइटर है टाइमिंग को भी बड़ा मद्देनज़र रखा है कि टाइमिंग भाई एग्जैक्ट टाइम पर एग्जैक्ट काम होना चाहिए, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो कहता है। ठीक है, यस फॉर सक्सेस। तो जिस दिन उन्होंने प्लान करके सुबह वो अटैक करना होता है, उस रात को पैब्लो डोटिनेटर वो असला वो ब्लास्ट वो सारा उठाकर वो गुम हो जाता है, चला जाता है, घोड़े भी ले जाता है। सुबह जब उठते तो पता चलता है पैब्लो सारा सामान भी ले गया है, तो बड़ी परेशानी हो जाती है। नाउ ही इज़ अगेन इन कन्फ्लिक्ट कि उसे प्रोजेक्ट पूरा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसे ब्रिज ब्लो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। पैब्लो को पहले वो सोच रहा था कि पैब्लो को वो कत्ल कर दे, मार दे, लेकिन वो इसी कश्मकश में रहा कि पैब्लो को मारे या ना मारे, कुछ लोग राज़ी थे कुछ लोग वो, लेकिन रॉबर्ट जॉर्डन सोचता था कि भी इससे डिस्टर्बेंस ना पैदा हो जाए गुरिल्लास के अंदर, पैब्लो को नहीं मारना चाहिए। पैब्लो ने फिर कह दिया था कि भी मैं आपके साथ हूँ और ब्रिज को ब्लो करने में साथ दूँगा, तो
तो फिर रॉबर्ट जॉर्डन ने उसे नहीं मारा था, लेकिन अब वो पछता रहा है कि पैबलो को मार देता। लेकिन रॉबर्ट जॉर्डन फिर दोबारा नए सिरे से वो डेटोनेटर तैयार करता है, हैंड ग्रेनेड हैं, ये असले की चीज़ें, असला वगैरह है जो ब्लास्ट होता है, जो वो मतलब जो चीज़ें उसके हाथ में होती हैं वो उसको दोबारा तैयार करता है उन्हीं आवर्स के अंदर, घंटों के अंदर, रॉबर्ट जॉर्डन। और फिर तमाम लोगों को अपनी अपनी ड्यूटी देता है, और जब उससे खास समझा रहे होते हैं तो उसी वक्त पैबलो वापस आ जाता है और कहता है मैं चार घोड़े और तो दो लोग भी और लेने गया था, हमारी टीम कम थी। वो कहता है हमारे पास इतनी अब फौज है कि अब हम उस फौज का मुकाबला कर सकते हैं और हम ब्रिज ब्लो करके रहेंगे। तो ये सारे पैबलो को नीचे वाला पोर्शन दिया जाता है कि ब्रिज की निचले साइड पर तुमने रहना है और वहाँ पर कंट्रोल करना है, और वहाँ से जो भी ट्रक या गाड़ी आए तो उसको वहीं पर रोक के रखना है, उसको फायर करना है उसके ऊपर। एनसेल्मो को अपना दिया जाता है, एनसेल्मो जो है जो क्रिश्चियन है, 50 साल बूढ़ा, जो कहता है कि इंसान को नहीं मारना चाहिए, एनसेल्मो को अपना काम दिया जाता है, उसकी ड्यूटी लगाई जाती है। इस तरह जॉर्डन ने अब ब्रिज के नीचे जाकर वहाँ पर डेटोनेटर सेट करने थे, ब्लास्ट वाला जो मटेरियल है वो लगाना था नीचे जाकर ताकि ब्रिज ब्लो की जा सके। इसी तरह मौर्या को दिया गया है प्रोजेक्ट कि उसने घोड़े संभालने हैं और हॉर्सेस की उसने केयर करनी है, पिलार को अपनी ड्यूटी दी गई, यानी कि पूरी एक टीम तैयार हो गई। और वहाँ पर जाकर रॉबर्ट जॉर्डन फायर करता है, पहले एक फायर की आवाज़ आती है, फिर रॉबर्ट जॉर्डन फायर करता है। वहाँ पर ब्रिज के ऊपर जो वॉक कर रहा होता है शख्स एक कोने से दूसरे कोने तक, उसको वो वहीं पर ब्रिज पर ही ढेर हो जाता है। फिर धमाके होते हैं, वो धमाके करते हैं, ब्लास्ट करते हैं, फिर फायरिंग होती है राइफल की, तमाम लोग ये अटैक करते हैं, वो भी उधर से अटैक करते हैं, हमला करते हैं, और आखिरकार एनसेल्मो नीचे जाता है, रॉबर्ट जॉर्डन नीचे जाता है। वो सारा सीन क्रिएट होता है जिस तरह एक फौजियों का सीन होता है, और जाकर ब्रिज को ब्लो किया जाता है। और ब्लो जब होता है तो ब्रिज के नीचे सेंटर में से तख्ते उड़ते हैं सारे फिज़ा में, और कुछ टुकड़े जो है रॉबर्ट जॉर्डन को भी आकर लगते हैं। एनसेल्मो की इसमें डेथ हो जाती है, और रॉबर्ट जॉर्डन समझ रहा होता है कि पैबलो भी शायद मर गया होगा, यानी कि इनके दो चार लोग मर जाते हैं। लेकिन बाद में जब ये ब्लो कर लेते हैं ब्रिज को, ब्रिज तो ख़त्म हो गई, तबाह हो गई, मकसद इनका पूरा हो गया। लेकिन अब जब तमाम लोग आपस में मिल भी गए, पैबलो भी ज़िंदा है, नहीं मरा, सिर्फ एनसेल्मो मरा है, रॉबर्ट जॉर्डन को उसका दुख भी है, एट द सेम टाइम अपने काम को कंप्लीट करने की, एकम्प्लिश की खुशी भी है, उसे मुतमईन है, संजीदा है, मुतमईन है, संजीदा है। और यही संजीदगी रैबिट को पसंद है, मौर्या को। अब सीन ये है एंड पर कि एक सड़क है जिसको क्रॉस करना है इन्होंने, और इनके पास कोई रास्ता नहीं है उसको सड़क क्रॉस करने के सिवा, और वो सड़क टोटल टारगेट में है जर्मन फासिस्ट के, और ये रोड को क्रॉस करते हैं वो वहाँ से फायरिंग करते हैं, और मुसलसल फायरिंग हो रही है ताकि ये लोग रोड क्रॉस करके उस साइड पर ना जा सकें। अब इनको घोड़ों समेत जाना है, पहले पैबलो, पिलार, फिर बाकी जो गुरिलाज हैं उनके साथ, फर्नेंडो, ये सारे के सारे जिप्सी, ये सारे के सारे एक एक करके घोड़े पर बैठ के भागते हुए जाते हैं, और गोलियाँ भी वहाँ से फायर भी होते हैं, सारे बच जाते हैं। मौर्या को भेजता है, मौर्या जाती है, मौर्या भी दूसरे पर पहुँच जाती है। रॉबर्ट जॉर्डन एक लीडर की तरह एट द एंड वो अपना घोड़ा निकालता है और जाता है। जब मिड में पहुँचता है तो मिड से आगे उसके हॉर्स को गोली लगती है, रॉबर्ट जॉर्डन के हॉर्स को गोली लगती है, तो हॉर्स नीचे गिरता है, तो रॉबर्ट जॉर्डन भी घोड़े की जद में आ जाता है, तो रॉबर्ट जॉर्डन की वो थाई की हड्डी क्रैक हो जाती है। जब हड्डी क्रैक हो जाती है तो वो उसे बाकी सारे, तो वो सीन सबसे बेस्ट होता है जब वो थाई की हड्डी उसकी क्रैक होती है, नीचे गिरता है, तो मौर्या जब वहाँ पर चीखती है, उसका चीखने का जो अंदाज़ था, हाउ शी वॉज वीपिंग एंड क्राइंग एंड रनिंग टू वर्ल्ड हिज पेयर, हर पेयर, अपने पेयर की तरफ जब भागते हैं, उसे घसीट कर ले आते हैं, तो उसको बांधते हैं, उसको उठाते हैं, संभालते हैं। रॉबर्ट जॉर्डन कहता है मुझे अपने साथ ना रखो, आप लोग जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। रॉबर्ट जॉर्डन वहाँ पर यह डिसीजन लेता है कि मुझे यहीं पर छोड़ दो, एक मुझे पत्थर के किनारे, पत्थर के सहारे बिठा दो और मेरे हाथ में गन दे दो,
सामने से फाशिस्ट आएंगे, मैं उन पर अटैक करूंगा, उन्हें मारूंगा, ठीक है, और ख़ुद भी मर जाऊंगा, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। अब दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज एंडिंग ऑफ द नावल। तो रॉबर्ट जॉर्डन वहाँ पर बैठ जाता है, मॉरियो रोती है, कहती नहीं मैंने तुम्हें साथ लेकर जाना है। तो मॉरियो कहते दावल गो ना रैबिट, कहते हैं जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक तुम ज़िंदा हो उस वक्त तक मैं भी ज़िंदा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर ज़िंदा रहता। यानी कि मोहब्बत की रोमांटिक को एक दो डायलॉग कहता है, तो कहते दावल गो ना रैबिट, तुम चले जाओ रैबिट यहाँ से। और सारे वो चले जाते हैं, वहाँ पर वो रॉबर्ट जॉर्डन पत्थर के किनारे बैठा है और सामने एक फाशिस्ट को आता हुआ देख रहा है और गोलियों की आवाज़ आती है। नावल इज़ एंडेड, नावल एंड हो जाता है। आपने इस नावल में देखा वाई, क्यों आखिर अर्नेस्ट हेमिंगवे का हीरो सेंटियागो ओल्ड मैन एंड द सी में वो भी मायूस होकर वापस आता है, उसे भी कुछ नहीं मिलता, नाकामी में होता है, ठीक है, और कहता है कि मेरी किस्मत ख़त्म हो गई है, अब मेरी किस्मत में मछलियाँ नहीं रहीं और मेरा लक ख़त्म हो गया है। और यहाँ पर भी आप देखते हैं रॉबर्ट जॉर्डन ने एंड पर मौत को कबूल किया है। यानी कि इट्स मीन दैट कि लाइफ की इम्पॉर्टेंस सिर्फ यही है अर्नेस्ट हेमिंगवे के मुताबिक, कि ज़िंदगी की इम्पॉर्टेंस यही है कि एक गोल को आपने चेज़ करना है, बट दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइफ। गोल के बाद ज़िंदा रहना है, तवील ज़िंदगी है, उसके बाद विन करने के बाद क्या करना है ये कोई चीज़ कंसर्न नहीं करती। ओनली स्ट्रगल इज़ समथिंग, स्ट्रगल है कुछ चीज़। और भी मायूसी का आंसर भी कहीं के नज़र आता है। स्टोरी का करैक्टर जो है वो पैगाम दे रहा है कि टाइम के अंदर कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम देना चाहिए, करना चाहिए, इंसान को स्ट्रगल करनी चाहिए। एट द सेम टाइम फिर वहाँ पर एक पैसिमिस्टिक व्यू भी आ जाता है कि वो जीना नहीं चाहते, वो मरना चाहते हैं। ओके, देर आर मैनी एंगल्स ऑफ द नावल यू कैन डिस्कस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द लॉस्ट जनरेशन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डार्विन थ्योरी, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ वॉर ऑन ह्यूमन बीइंग, जंग के जो असरात हैं इंसान पर वो कैसे हैं, उसमें इंसान कैसे डिसीजन रहता है, कैसे मूड रखता है, क्या कहता है। ओके, इस कंटेक्स्ट में डिस्कस कर सकते हैं। रॉबर्ट जॉर्डन का करैक्टर आप डिस्कस कर सकते हैं कि वो एक ट्रेजिक हीरो है, ट्रेजिक हीरो है, इन व्हाट सेंस ट्रेजिक हीरो है, कैसे उसकी ट्रेजेडी हुई, ठीक है, वो हॉर्स से नीचे गिर गया अपना काम एकम्प्लिश करने के बाद। रॉबर्ट जॉर्डन ने 72 आवर्स के अंदर कंप्लीट ज़िंदगी जी है, 3 दिन मेरे ख्याल में रॉबर्ट जॉर्डन के पास थे, 3 दिन के अंदर उसने पूरी मैनेजमेंट की है, जिस तरह एक इंसान अपनी ज़िंदगी में करता है, किसी ऑफिस में करता है। उसने लव भी किया उन्हीं 3 दिन, उसने बहुत कुछ सीखा भी है उसी 3 दिनों के अंदर, बहुत सारे डिसीजन भी लिए हैं उन्हीं 3 दिनों के अंदर। तो ये भी रॉबर्ट जॉर्डन करैक्टर की इम्पोर्टेंस ये भी है। एट द सेम टाइम नावल के अंदर ट्रू एक्सपीरियंसेस को भी उजागर किया गया है। लैंग्वेज नावल की वो भी बहुत ज़बरदस्त है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है इसका, जो बड़ा क्वेश्चन है वो यही बनता है कि करैक्टर स्केच ऑफ रॉबर्ट जॉर्डन, ठीक है। दूसरा जो है इसका जो वो आता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन ह्यूमन बीइंग, इंसानों पर जंग के क्या असरात हैं। मैंने आपको शुरू में बताया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों के अंदर मायूसी फैल गई थी। तो आप देखते हैं तमाम गुरिलास काम तो कर रहे हैं, बट दे आर इन द स्ट्रेंज इम्प्रेशन ऑफ डिसमे के, मायूसी के इम्प्रेशन में रह रहे होते हैं, एमलेस नज़र आते हैं वहाँ पे। और वो जो कुछ परफॉर्म कर रहे हैं उनको उनका क्या बेनिफिट है, दे डोंट नो अबाउट दिस एट द सेम टाइम। तो इस तरह से वो जंग के असरात देखे, एंसेल्मो सोचता है कि इंसान को नहीं मारना चाहिए, और देखें जंग के असरात देखे पैब्लो जो कि एक बहादुर करैक्टर था, बाद में आकर वो सेल्फिश हो गया, स्टबर्न हो गया, रफ हो गया है, बुल की तरह, एक बोर की तरह, भद्दे रींच की तरह वो है, ठीक है, उसके ऊपर ये असरात हैं। इसी तरह रॉबर्ट जॉर्डन के ऊपर क्या असरात होते हैं जंग के, वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। मौर्य के ऊपर क्या असरात हैं जंग के, अर्नेस्ट हेमिंगवे मे बी
जंग के असरात ह्यूमन बीइंग पर दिखाना चाहता है या जंग में इन्वॉल्व जो फौजी हैं उनके ऊपर दिखाना चाहता है, क्योंकि जंग के अंदर जो लोग शामिल होने गए थे कि वो बहादुरी के कारनामे सर अंजाम देंगे तो वो नहीं दे सके। वहाँ पर मशीन का सामना था उनको, तो वहाँ पर वापस जब आए तो मायूस हो गए। फिर वो कैफ़े में बैठकर क्या करते थे, मैरी मेकिंग करते थे, वो ड्रिंक करते थे और ज़िंदगी की मीनिंग तलाश किया करते थे। ओके, तो ये नावल अर्नेस्ट हेमिंग्वे का होगा कोई शाहकार नावल, मुझे ये नावल बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं इसे बिल्कुल नहीं पढ़ाना चाहता और मैं ऐसा कोई नावल भी नहीं पढ़ाना चाहता जिसके अंदर जंगों की बात हो, जिसके अंदर पिस्टल की बात हो। इवन कि मैं वो मूवी देखना नहीं चाहता, मैं ना देखता हूँ जिस मूवी के अंदर पिस्टल हो। मुझे इंग्लिश मूवीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, सिवाय चंद देख के जिनके अंदर कोई नेचुरल सीन्स होते हैं, कोई एडवेंचर होता है, लेकिन विदाउट गन्स। गन मैं फिल्म में देख लूँ मुझे नफरत होने लग जाती है, मैं फिल्म नहीं देख सकता, मुझे गुस्सा आने लग जाता है। ठीक है, और ये जो खिलौने वगैरह मार्केट में बिकते हैं गन्नों वाले, वो भी देखकर मुझे चिढ़ चढ़ती है। और मैंने पिछले दिनों वहाँ पर बैठा हुआ था, एक मोची बैठा हुआ था, उसके साथ प्लास्टिक वाले गन्स भी साथ लटकाई हुई थी। मैंने उसे कहा, मैंने कहा चाचा ये अब ये बेच ले, दोबारा ना ले आना। मैंने कहा गवर्नमेंट बैन कर रही है इस पर, ठीक है, और गवर्नमेंट तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, उसको मैंने डरा दिया। ठीक है, तो इस नावल को पढ़ने के बाद हाँ जंग के असरात ये पहलू वो पहलू, मेरा नहीं ख्याल कि इतने पहलू इसके अंदर मौजूद भी हैं कि नहीं है। आई डोंट थिंक दैट इज़ अ रियली हॉल मार्क ऑफ द अर्नेस्ट हेमिंग्वे, सिवाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे का वहीं ओल्ड मैन द सी नावल जो है उसके सिवा बाकी तमाम नावल्स दे आर फ्यूटाइल अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। होगा किसी के लिए बहुत अच्छा होगा या उस दौर उस सिचुएशन की ऊपर अच्छा होगा, लेकिन इससे अच्छे अच्छे कई और शाहकार हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। लाजमी यहीं असला गोलियाँ बारूद गन्ने दिखानी है लाजमी। ओके, ये चीज़ें बैन होनी चाहिए, इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है, ये चीज़ें ना मीडिया पर हों, ना ये चीज़ें पढ़ाई में हों, स्टडी में हों, ना बच्चों के हाथ में हों। अब इन चीज़ों की ज़रूरत ही क्या रही है करने के लिए। हम अब काफ़ी शऊर आ गया है लोगों के अंदर। अब सबसे ज़्यादा मैं जो बात कर रहा हूँ, अटैक कर रहा हूँ, वो अमेरिका पर कर रहा हूँ। ये तो इतने ज़ालिम लोग हैं, वो एक बार असला बना लेते हैं, ढेर लगा देते हैं, फिर किसी दो मुल्कों को आपस में लड़ा देते हैं और फिर असला उनको बेच देते हैं, पैसे कमाते हैं। ये तो इतने ज़ालिम हैं। ठीक है, अब लेकिन सबसे बेस्ट अब यही है कि वहीं मुल्क जीत जाएगा जिसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, जिसके पास अच्छा आईटी होगा, जिसके पास लेटेस्ट डिवाइसेस होगी, जिसके पास पीस होगा, जिसके पास प्रॉस्पेरिटी होगी, वहीं जीत गया ना। बाकी लोगों को मारने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, मारने की क्या ज़रूरत है? आप इकोनॉमिकली उन्हें मार देते हैं। अब जब इकोनॉमिकली मार देते हैं उन्हें, तो उन्हें पिस्टल के साथ मारने की क्या ज़रूरत है? मतलब हमारा मुल्क देख लें, मतलब हम लोग डिप्राइव हुए पड़े, हर चीज़ इस मुल्क में है, उसके बावजूद भी हम डिप्राइव हुए, भूखे नंगे हुए पड़े हैं। क्यों? पंगे लेते हैं ना हम भी दुनिया के साथ, कभी उसको उंगली करते हैं, कभी उसको उंगली करते हैं, कभी उनको लड़ाने की कोशिश करते हैं, कभी उससे पैसे छीन लेते हैं, कभी उसे पैसे दे देते हैं। तो हम भी, हमारी पॉलिसी थोड़ी ठीक होनी चाहिए ना। तो हम लोग भी अमेरिका के पीछे भी लगे हुए हैं ना। अमेरिका के पीछे भी तो पूरे नहीं लगे हुए ना, उसको फिर जब मौका मिलता है तो उसको भी लताड़ देते हैं। अपनी प्लान, हमारी अपनी एक पॉलिसी है, वो पॉलिसी गलत है मैं समझता हूँ। इधर से पैसे ले लो, उधर से पैसे ले लो और उधर लड़ा दो, लड़ाई झगड़ा बस बस होनी चाहिए। तो इस तरह के नावल भी कोर्स में शामिल नहीं होने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत सियानी है, समझदार है, उनको पता है कि माशरे में एम के भुट्टा जैसे लोग मौजूद हैं। ये नावल रखें ताकि इनके ऊपर एक नावल पढ़ाने के बाद ऐसी ही बात एक बंदा करे ताकि इस चीज़ों को डिस्करेज किया जाए, इन चीज़ों को डिस्करेज किया जाए। आप भी कहेंगे ये क्या नावल है, कोई ये पिस्टल उठाए हुए हैं, डेटोनेटर उठाए हुए हैं, गोलियां मार रहे हैं, एक ब्रिज ब्लो किया तो बड़ा कारनामा हो गया, इसको समझो जी। आप भी कहेंगे यार क्या नावल है ये, तो आप कहीं भी बैठे होंगे क्या कहेंगे, आप कहेंगे यार ये नावल नहीं होना चाहिए यार। तो नहीं, आपके नेगेटिविटी पैदा होगी ना उसके बारे में। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने फिर भी कमा लिया ना, उसने ऐसा नावल रखा है जिससे आपको नफरत हो जाए इन चीज़ों से। चलो, फिर भी हो सकता है वो हमसे भी ज़्यादा सियाने हों। पॉजिटिव भारत ह्यूमनिस्ट।
ह्यूमन बीइंग, बीइंग ह्यूमन, बीइंग ह्यूमन अब बड़ी बात है। ह्यूमन बीइंग मेरे ख्याल में अब वो मॉडर्न बात थी, अब पोस्ट मॉडर्न बात मैंने निकाल दी है, बीइंग ह्यूमन। ठीक है, पहले हम ये कहते ना कि जी नो डाउट कोई बात नहीं भाई, वो क्रिश्चियन है, वो हिंदू है, वो फिलाना है, वो फिलाना है, सब अच्छा है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग कहते थे। मैंने ये मॉडर्न बात है, मैंने पोस्ट मॉडर्न डायलॉग निकाल दिया है, पहुंच जाएगा दुनिया तक, और वो है बीइंग ह्यूमन। अब लोग ये ना कहें कि ह्यूमन बीइंग ह्यूमन, लोग कहें बीइंग ह्यूमन, बीइंग ह्यूमन, ठीक है, इंसान बने, इंसान बने। ओके जी, नाइस ऑफ यू। अगले लेक्चर के अंदर हम इसकी करेंगे, दो क्वेश्चन सिर्फ, एक क्वेश्चन होगा इम्पैक्ट ऑफ वॉर और दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम चुप करो, दूसरा क्वेश्चन करेंगे स्टाइल ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वे, हेमिंग्वे का स्टाइल। क्लियर, दो क्वेश्चन हैं और इसके लिए मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, बस ये दो क्वेश्चन अगर कर लिए जाएं तो समझे कि सारे सवाल हल हो जाते हैं, बल्कि सवाल आते ही यही दो हैं मोस्टली। तो मेरे नोट्स हैं, नोट्स ये स्काइप पर मुझसे रब्ता करेंगे तो शायद मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। स्काइप का मेरा एड्रेस है एक्यूट कॉइंस, ACUTECOINS, एक्यूट कॉइंस तेज सिक्के। फेसबुक है लेक्चरर MK भुट्टा, फ़ोन नंबर है 0333-4655-305। तो ये नोट्स, यहाँ अवाब फ़ोटो कापी शॉप है लाहौर में, अवान टाउन मुल्तान रोड पर, अवाब फ़ोटो कापी शॉप, पता करेंगे, ढूंढेंगे, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, वरना मुझे फ़ोन करेंगे, मैं भी हेल्प कर दूँगा इंशाल्लाह ताला। सो नाइस ऑफ यू, टेक वेल केयर सेल्फ, थैंक यू फॉर बीइंग हियर।